आप देख रहे हैं एक्शन 7 न्यूज़ नई सीमा कटरा बकास किसी तरह मोबाइल के मतदान केंद्र में खड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें मौजूद उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ विधायक निवास में, और आइए हम जानते हैं यहाँ पे मीटिंग चल रही है और मीटिंग के दौरान किस बात को, किन मांगों को लेकर के मीटिंग दी जा रही है, आइए हम जानते हैं। डॉक्टर के सी पांडे, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ। जो नया SC ST एक्ट केंद्र की सरकार ने पारित किया है, उसको उसका विरोध करने के लिए, सवर्ण आयोग का गठन करने के लिए और प्रमोशन में आरक्षण जो लागू किया गया उनको समाप्त करने के लिए, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना और महिला ब्राह्मण सभा, सवर्ण एकता परिषद, राष्ट्रीय सवर्ण मंच, सब सारे प्रतिनिधियों का बुलाया गया था। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी कॉमन इशू पर, इन तीनों मांगों पर लेकर के जो भी संगठन काम कर रहे हैं, हम लोग आने वाले 2 महीने में सारे संगठनों से संपर्क करके सबको एक मंच पर ले आएंगे और SC ST के खिलाफ जो है कि काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, इस काला कानून को खत्म कराने के लिए लंबी लड़ाई हम लोग छेड़ेंगे। और ये 78/22 लड़ाई है, 78% लोगों को इस काला कानून से उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, जिसमें पिछड़े या पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं और पूरा का पूरा सवर्ण समाज है, और केवल 22% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको लाभान्वित करने के लिए 78% लोगों के हितों का गला घोटने का गंदा कार्य केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका विरोध करने के लिए आज सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन गांव-गांव तक पहुंचेगा और गांव-गांव तक पहुंच करके एक बात निश्चित मान लीजिए कि 2019 की जो लोकसभा की लड़ाई होगी वो 22/78 की लड़ाई होगी, क्योंकि इस उत्पीड़न से 78% लोग तबाह और परेशान हो गए हैं। हम सबको लामबंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेतृत्व करने का कार्य अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण सवर्ण समाज, संपूर्ण पिछड़ा पिछड़ा समाज, संपूर्ण मुस्लिम समाज करेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि विवाह भी ब्राह्मण कराता है और पिंडदान भी ब्राह्मण ही कराता है। तो भारतीय जनता पार्टी का विवाह तो हो गया 2014 में, 2019 में पिंडदान कराने का काम हम लोग करेंगे। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे कौन से कदम कैसा होगा? इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 2 तरफा लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, हमने आपसे कहा कि 2 महीने के अंदर हम सबको एक मंच पर लाएंगे और सड़कों पर संघर्ष करेंगे और संघर्ष लंबा चलेगा। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट की भी शरण लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इन तीनों मुद्दों को ले जाएंगे। इस देश में आज़ादी के बाद जब अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, महिला आयोग है, तो सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम यही तो कहते हैं कि हमारा भी आयोग बना दिया जाए, जिससे हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो समस्याएं हैं, आए दिन हमको तंग किया जाता है, आए दिन हमको अनावश्यक परेशान किया जाता है, अपने आयोग के समक्ष अपनी समस्याओं का हम उठा सकें। लेकिन ये सरकार सवर्ण आयोग का गठन करने से क्यों डर रही है, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और प्रमोशन में आरक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट की ने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संसद में बिल ला करके पुनः उसको लागू कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य रहा जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण 2012 में ही खत्म कर दिया, और अभी इस सरकार की हिम्मत न हो रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की उसको लागू करें प्रमोशन में आरक्षण। UP अकेला राज्य है पूरे हिंदुस्तान। तो हम चाहते हैं
की प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल समाप्त किया जाए और सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, एससी एसटी का जो काला कानून है उसे समाप्त किया जाए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सारे राजनीतिक दल, हम एक दल को नहीं कहते हैं, सारे राजनीतिक दल, हम आप में सारे के सारे नंगे खड़े हैं, इसलिए हम सबको लामबंद करके आने वाले लोकसभा चुनाव की लड़ाई जो होगी वो हमने आपसे कहा कि 22 बनाम 78 की होगी, तो 78% लोगों को हम लामबंद करेंगे और इस इशू पर मतदान कराएंगे कि काला कानून रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके आधार पर मतदान होगा।